नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम आय उपभोग वक्र एवं एंजल वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र को व्युत्पन्न किया जा सकता है, वैसे ही आय उपभोग वक्र से हम एंजल वक्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। आय उपभोग वक्र के बारे में हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं कि किस प्रकार वस्तुओं की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने दो वस्तुएं ली थी, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाने पर उपभोक्ता की साम्य स्थिति बदल जाती है, ये हमने आय उपभोग वक्र के माध्यम से पिछले वीडियोज में देखा ही था। जहाँ तक एंजल कर्व की बात है, तो जर्मन सांख्यिकी वेत्ता अर्नेस्ट एंजल ने पारिवारिक बजट और उपभोग स्तर या विभिन्न वस्तुओं पर किए गए उपभोग व्यय के बारे में अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है या उनकी जो खरीद मात्राएं जो उपभोक्ता करता है, उनकी जो मात्राएं खरीदता है, वो विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग तरीके से होती हैं। यानी आय में परिवर्तन होने पर वस्तु विशेष की जो खरीद मात्रा है वो अलग अलग तरीके से प्रभावित होगी। हम इसको इस डिस्कशन में देखेंगे। तो सबसे पहले आय उपभोग वक्र जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसको बहुत शॉर्ट में हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई वस्तु है, यहाँ एक्स वस्तु है, ये एम एन कीमत रेखा है, उपभोक्ता इसके ए पॉइंट पर संतुलन में है, ये इंडिफरेंस कर्व है वन। और हम ये मान लेते हैं कि जो एम एन कीमत रेखा है, एम एन पर उसकी जो आय है, मान लीजिए वो 100 रुपये है। अब यदि मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है एम वन एन वन मात्रा उसकी आय की हो गई, और उपभोक्ता मान लीजिए नए संतुलन बिंदु यहाँ पर वह संतुलन में है, ये बी पॉइंट है, आई सी टू इंडिफरेंस कर्व है, और एम वन एन वन जो कीमत रेखा है उस पर मान लीजिए हम 200 रुपये उसकी आय मान लेते हैं। अब यदि और उसकी आय बढ़ जाती है और उपभोक्ता के लिए ये जो कीमत रेखा है वह मान लीजिए एम टू एन टू हो जाती है, एम टू एन टू हो जाती है, और उपभोक्ता मान लीजिए यहाँ आई सी थ्री पर इस सी बिंदु पर संतुलन में है। यानी हम मान लें जो एम टू एन टू पर उसकी जो आय है वह 300 रुपये है। अब हम यदि इन बिंदुओं को ए बी सी को जोड़ दें, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो ये आपका इनकम कंजम्पशन कर्व होगा। यहाँ पर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर वस्तुएं ले रहे हैं, यहाँ एक्स वस्तु है और यहाँ वाई वस्तु है। आय स्तर को हमने इसमें प्रत्यक्ष रूप से अक्ष पर नहीं दिखाया है, हमने अलग अलग कीमत रेखा को पैरेलल शिफ्ट करके हमने आय स्तर में कमी या वृद्धि की है। अब यदि हम इस आय उपभोग वक्र के माध्यम से यदि हम ओ वाई अक्ष पर आय स्तर ले लें,
और ओ एफ अक्ष पर वस्तु की मात्रा ले लें एक्स वस्तु की, ओ एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु की मात्रा ली है और ओ वाई अक्ष पर हमने आयस्तर लिया है। इन विभिन्न बिंदुओं को ओ वाई अक्ष पर उपभोक्ता की आयस्तर हम दिखाएंगे, ओ एक्स अक्ष पर जो हमने खरीदी हुई मात्रा है उनको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ए पॉइंट पर जो मात्रा जो ये एक्स वस्तु की है, मान लीजिए ये एक्स वन है और ये जो बी पॉइंट है उस पर मान लीजिए एक्स टू मात्रा है और ये सी बिंदु है उस पर एक्स थ्री मात्रा है। और जो उपभोक्ता का जो आय स्तर है वो एक्स वन मात्रा पर एम एन कीमत रेखा पर मान लीजिए ये उसका आय स्तर 100 है और एम वन एन टू रेखा पर उसका 200 है और एम टू रेखा पर उसका ये 300 आय स्तर है। तो इस आय स्तर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपका ये हो जाएगा, 200 रुपये के आय स्तर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपका ये हो जाएगा और 300 के करस्पॉन्डिंग आपका ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब यदि हम इनको जोड़ दें थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, ये हम नॉर्मली कर्व ये इस तरह का ही आएगा, तो ये एंजल कर्व ईसी होगा। तो एंजल कर्व में हम देख रहे हैं कि आय स्तर के साथ एक्स वस्तु पर जो एक्स वस्तु की जो खरीदी हुई मात्रा है उसको दिखाया गया है। तो जो एंजल वक्र है वह आय स्तर और वस्तु की खरीदी जाने वाली वस्तु विशेष की खरीदी जाने वाली मात्रा, यहाँ हमने एक्स वस्तु ली है तो आय स्तर और एक्स वस्तु की खरीदी हुई मात्रा के बीच में संबंध को व्यक्त कर रहा है। तो एंजल वक्र पर हम आय स्तर को प्रत्यक्ष रूप से वाई स्तर पर माप रहे हैं और ओ एस अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को हम देख रहे हैं। तो हम इनकम कंजम्पशन कर्व के माध्यम से, आय उपभोग वक्र के माध्यम से एंजल वक्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। एंजल वक्र की आकृति के आधार पर वस्तु की प्रकृति का भी पता लगाया जा सकता है कि वस्तु आवश्यक वस्तु है या विलासिता की वस्तु है या वस्तु घटिया वस्तु है, हम उसका भी पता लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए वक्र की आकृति इस प्रकार है, यहाँ आय स्तर लिया है, यहाँ वस्तु की मात्रा ली है, अब यदि जो एंजल कर्व है इस प्रकार है, ये एक आय स्तर ये हो गया, मात्रा ये हो गई, इस एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो वस्तु की मात्रा है आय स्तर यदि 100 है फिर 200 हो गया फिर 300 हो गया, तो आप देख रहे हैं कि जब 100 से 200 आय स्तर बढ़ गया तो उपभोक्ता ने इतनी मात्रा क्रय करी, बढ़ाई उस पर, और 200 से 300 होने पर इतनी मात्रा उसने बढ़ाई है। तो कहने का मतलब ये है कि आय स्तर में वृद्धि के साथ साथ, आय स्तर में हमने सेम वृद्धि करी है लेकिन उपभोग की जो मात्रा है वह वस्तु की ज़्यादा बढ़ी है, यानी ये ओ एक्स एक्स वन और एक्स टू, तो
एक्स एक्स वन है उसके बजाय एक्स वन एक्स टू ज़्यादा है, यानी एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन एक्स एक्स वन। तो यहाँ पर उपभोक्ता का आय स्तर बढ़ने पर जो वस्तु की मात्रा है उसमें आनुपातिक रूप से ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो ये केस जो है वो विलासिता की वस्तु का हो सकता है, जिसमें उपभोक्ता आय स्तर बढ़ने के साथ साथ अनुपात आय का स्तर का जो आय स्तर जिस अनुपात में बढ़ता है उससे ज़्यादा अनुपात में वो वस्तु की मात्रा खरीदता है, उस पर ज़्यादा अपना व्यय करता है। लेकिन यदि ये इस प्रकार का है, एंजल कर्व इस प्रकार का है कि जिसमें आय स्तर बढ़ने के साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ ओ वाई अक्ष पर आय स्तर है, यहाँ वस्तु की मात्रा है। मान लीजिए पहले आय स्तर इतना था तो उसका उपभोग मात्रा इतनी खरीदी थी, और बाद में आय स्तर बढ़कर इतना हो गया, उपभोग मात्रा कम हो गई, फिर आय स्तर और बढ़ा, उपभोग मात्रा और कम हो गई। तो इस केस में जो वस्तु है वो घटिया होगी, क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ आय का स्तर बढ़ने के साथ साथ जो उपभोक्ता की वस्तु की जो मात्रा है वह घटती जा रही है। तो ये घटिया वस्तुओं के लिए एंजल कर्व का की आकृति है। यदि आय स्तर बढ़ने के साथ साथ उस वस्तु की कम मात्रा यदि खरीदी जाती है तो वो वस्तु आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है। उसको भी हम एंजल वक्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंजल वक्र आय स्तर और जो वस्तु की खरीदी गई मात्रा है उसके बारे में संबंध को व्यक्त करता है। थैंक यू।